वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लेंगे, गैसों का अणु गति सिद्धांत। टाइप्स ऑफ गैसेस, गैसेस को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस, आदर्श गैसें वास्तविक गैसें। तो आदर्श गैस क्या होती है? आदर्श गैस के लिए कहा गया है कि इनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस मस्ट बी एब्सेंट। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस जो कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। तो आइडियल गैस के लिए कहा गया है कि इनमें अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस मस्ट बी एब्सेंट, बट एक्चुअली नो गैस इज नोन टू शो परफेक्ट आइडियल बिहेवियर। पर ऐसा एक्चुअल में ऐसी कोई गैस नहीं होती कि जो परफेक्टली आइडियल बिहेवियर शो करे। इसलिए जो आइडियल गैसेस का कंसेप्ट है, इट्स अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ये काल्पनिक अवधारणा है। और गैस, आइडियल गैस की मेन कंडीशन ये है कि ये सभी गैस लॉस को फॉलो करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। एंड सेकंड, ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। देन आइए आप रियल गैसेस में। रियल गैसेस, जैसे कि नाम से ही, वास्तविक गैसें जो रियल में है, वास्तविकता में है, उन गैसेस की हम बात करेंगे। ये गैसेस गैस लॉस को फॉलो करती हैं, बट इसकी कंडीशंस हैं, ये गैस लॉस को हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशंस में ही फॉलो करती है। दे डू नॉट ऑबे रिजिडली एट ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये सभी प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस पे गैस लॉ को फॉलो नहीं करती। जैसे कि पहले बनने आदर्श गैस में पढ़ा था कि ये सभी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे गैस लॉ को फॉलो कर रहा है, जबकि रियल गैसेस हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे ही फॉलो करती हैं। सेकंड, ये वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट को फॉलो करती है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पे पी प्रेशर है, ए और बी वंडरवॉल्स कांस्टेंट है, एन मोल्स ऑफ गैसेस, वी वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। इसी तरह से आप आइडियल गैस इक्वेशन में भी देख लीजिए, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। अब यहाँ रियल गैस में आप देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स अमंग गैस मॉलिक्यूल्स इज नेवर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, जबकि आइडियल गैस में अपन ने पढ़ा था मस्ट बी एब्सेंट। तो ये आइडियल गैस और रियल गैसेस के बीच में बेसिक डिफरेंस है। आगे हम गैस लॉस को लेंगे। लॉस ऑफ आइडियल गैसेस, पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। कंडीशन क्या थी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो V इक्वल्स टू K अपॉन P। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू K, एंड K हियर इज अ कांस्टेंट, V इज द वॉल्यूम, P इज द प्रेशर, एंड K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो दिस इज बॉयल्स लॉ। आगे हम लेंगे चार्ल्स लॉ, या इसको गे ल्यूसेक्स लॉ भी बोलते हैं। इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन से लॉ में क्या कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं, मीन्स केल्विन में होता है, तो यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आयतन ताप के समानुपाती है, एंड ये जो हम समानुपाती का साइन हमें हटाना होगा, तो यहाँ हम K कांस्टेंट लेंगे, तो V अपॉन T इक्वल्स टू K कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, एट
कांस्टेंट प्रेशर, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमें कांस्टेंट याद रह जाएंगे तो बाद में जो दो बचते हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देन थर्ड लॉ है एवोगैड्रोस, एवोगैड्रोस लॉ। यहाँ पे दो कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो यहाँ पे टी एंड पी कांस्टेंट हो जाएंगे, और इस कंडीशन में जो वॉल्यूम है गैस का वो जो गैस के मोल्स हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया वी इक्वल्स टू के एन। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस लॉ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सेम है तो जितनी भी सभी गैसेस का वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सभी गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स की बात करें तो उनमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम होगी और वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू फिक्स है 6.023 × 10^3 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल।